बहुत टेस्टी है, स्पाइसी। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ईशा शर्मा। सो अभी मैं जा रही थी बंगला साहिब, मैंने सोचा क्यों ना एक न्यू ब्लॉग शूट किया जाए। ओके, सो मैं जा रही थी अपनी दोस्त के साथ, तो मिलती हूँ मैं आपसे वहीं पहुँच के। पहुँच गई मेट्रो स्टेशन एंड मेट्रो भी आ गई है। फाइनली हम लोग ने राजीव चौक से एग्जिट किया एंड वहाँ से 10 मिनट का डिस्टेंस है बंगला साहिब का, तो हम पहुँच गए हैं यहाँ पे। एक्चुअली गाइस यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं कर सकती हूँ। पीछे के बाल अजीब लग रहे हैं ना, बाल आगे कर दो। चले ईशा, दिन हुआ वो आगे चलते। हम लोग भी बंगला साहिब से एग्जिट कर दिया है और अभी हम वापस सीपी जा रहे हैं। थोड़ा जाके देखते हैं हम कुछ खाएंगे, क्योंकि हमें भूख लग गई है। सुबह से मॉर्निंग से 2 बज गए और हमने कुछ भी नहीं खाया। जगह है ना बहुत अच्छी है, जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, बहुत ही अमेजिंग जगह है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे डोमिनोज ढूंढ रहे थे, तो हमें ये जगह दिखी, तो हमने सोचा यहाँ चल के कुछ फोटोज क्लिक करवाते हैं। यहाँ पे ना लाइन से बहुत सारी शॉपिंग है, लाइक फ़ोन कवर की, एंड यहाँ पे बहुत सारी सेल लगी है, विंटर सेल लगी है। क्या करोगी इसका? पांडा दिखाना, पांडा। तो तुम्हारी जरूर बनेगी फोटो। हल्दीराम इतना टाइम होगा कि हम जनपथ मार्केट भी घूम लेंगे, बट इतना टाइम मिला ही नहीं हमें, क्योंकि हम लोग खाने के लिए जगह देख रहे थे ना, तो आधे से ज़्यादा चीज़ें बंद है, जिसकी वजह से हम इतना लेट हो गया।
अभी 3:30 हो रहे हैं, हम मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं राजीव चौक। बंद हो रखा है ये वाला, यहाँ से नहीं जाना। तो अभी हम मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं। पीछे देखो गाइस कितनी ज्यादा लाइन लगी हुई है। हम मतलब लड़कियां अंदर जा सकती हैं, बट लड़कों के लिए तो एकदम बाहर तक लाइन है मेट्रो तक। देखो इसको देखो रेनू तुम कैसे चल रही हो। देखो गाइस कितनी ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। इतना रश है, आते वक्त इतना रश नहीं था, अब तो बहुत ज्यादा रश है। फाइनली हम पहुंच गए हैं मेट्रो स्टेशन सेंटर। ओके गाइस सो मैं आ चुकी हूँ घर, और मैंने सोचा क्यों ना मैं गेट अनरेडी विद मी मैं एक वीडियो बनाऊँ। अगर आप लोग को देखनी है ना तो आप मेरी शॉर्ट वीडियो में ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। डोंट नो वो वीडियो पहले जाएगी या ये ब्लॉग पहले जाएगा, बट आप चेकआउट ज़रूर करिएगा। गाइस तो आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग लग रही है। अगर आप ऑयल का यूज़ करके आप अपना मेकअप रिमूव करते हैं ना तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। खैर यहाँ पे मैं ऐड क्यों करने लगी, बाकी मैं आपको अपना जनरली बता रही हूँ। अगर मेरे पास कॉटन पैड्स नहीं होते ना तो मैं इसका ही यूज़ करके अपना मेकअप रिमूव करती हूँ। अच्छा एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, अगर ये हैक किसी को ना पता हो, मे बी हो सकता है बहुत लोगों को ना पता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं बनाने जा रही थी मैगी। क्या मैगी दिखा दी। ओके गाइस तो अभी मैं आई हूँ अपनी मैगी बना के, क्योंकि मैंने बहुत दिन से ना मैदा नहीं खाया। तो मैंने मम्मी से ना, कल मम्मी ने राशन का सामान मंगवाया था ना, तो मैंने सोच लिया कि मैं भी मैगी का पैकेट मंगवाऊंगी। बहुत दिनों से मैगी नहीं खाई, तो इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती, मैंने सोचा कि यब मुझे भी मैगी खाना चाहिए। तो आज मैं बहुत दिनों बाद खाऊंगी अपनी पसंद की मैगी। गाइस वैसे मुझे नूडल्स और मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड मेरा फेस इतना ज़्यादा काला इसलिए हो गया, मैं धूप में बहुत ज़्यादा बैठने लग गई हूँ। गर्मियों में होते होते वापस से मेरा रंग फेयर हो जाएगा, थोड़ा ठीक हो जाएगा। बाकी मैंने अभी ऑयल लगाया तो इस वजह से भी और लग रहा होगा कि मेरा थोड़ा जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा सा डार्क हो रहा है। मेरी मैगी, टेस्टी सी मैगी, इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट एंड थोड़ी सी मिर्च ऐड कर दी है। ओके गाइस करते हैं अपना डिनर। वाओ टेस्टी सी मैगी, देख रहे हो गाइस कितना धुआं निकल रहा है। मुझे मैगी और यिप्पी बहुत पसंद है, और मैगी यिप्पी क्या मुझे नूडल्स भी पसंद। देखो कितनी गर्म है, जस्ट अभी अभी बन के आई है, धुआं से निकल रहा है। हाँ मम्मी भाभी से पूछना, भाभी है, रुको गाइस मेरी भाभी आ गई थी, मैं उनसे बात करनी चली गई थी क्योंकि मुझे उनसे कुछ सामान मंगाना था अपना। ओके सो करते हैं अब अपना डिनर। काफी ज्यादा मैगी ठंडी हो गई है, बहुत दिनों से मैगी नहीं खाई, तो ऐसा मन कर रहा है सॉरी की सॉरी अब भी खा जाऊं। बहुत टेस्टी है, स्पाइसी, वैसे ना गाइस मैंने 24 आवर मैगी चैलेंज किया है, मैगी नूडल चैलेंज किया है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है ना तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा।
बहुत ही अच्छी वीडियो है वो, 24 आवर चैलेंज किया था मैंने, नूडल चैलेंज। ओके गाइज, मैं आपसे डिनर करने की बात मिलती हूँ, बात क्या मिलती हूँ, अब मेरे पैसे कुछ खास है नहीं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यार इस व्लॉग को करते हैं एंड, एंड वीडियो पसंद आई हो, वीडियो 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 पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स विद योर फैमिली। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।